मेरे पास आपको बहुत सारे करिश्मे मिलेंगे, मुझे नहीं पता कि मेरे हाथों में जादू है या मेरे घर में जादू है। तो आज हम रखेंगे धूप में कुछ सेकेंड, इसमें रेड वाला भी एक फूल खिल गया। हम जा रहे हैं एसी की हवा खाने। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूं आपका अकबर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम आ गए थे मौदहा से दिल्ली और हमने ये बहुत ज़्यादा, मेरा बाल टूट रहा था बारिश की वजह से और गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने थोड़ा सा ये मोगैम्बो खुश हुआ और एक चीज़ हम मौदहा से लेके आए थे वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये बारहमासी हम लेके आए थे मौदहा से और मैंने आते ही इनको लगा दिया था एक दो दिन बाद, और देखिए आज इसमें छोटे छोटे फूल भी खिल गए हैं, एक दो, और एक येलो वाला है, दो येलो वाला है और एक ये वाला। तो देखिए, इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी की सेवा करोगे तो वो भी आपको मेवा देगा। तो माशाल्लाह से देखो, ये दोनों गमले एकदम लग गए हैं, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी की सेवा करेंगे तो वो भी आपको मेवा देगा। फिलहाल हमारे ऑफिस जाने का वक्त हो गया तो बस रेडी हो गए हम ऑफिस के लिए, ये बैग उठा लेते हैं। और आज बारिश बहुत ज़्यादा प्यारी हो रही है और ये हमारा शू रैक है। कोई था दस दे मेरी जान, दस दे हसन तेरा तौबा तौबा। भाई तो ज्यादा बारिश हो गई है। हम चलना यार, रिक्शे में बारिश में चलने में बड़ा डर लगता है। मौसम में तो चाय को बड़े हम ऑफिस जाने को तो बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन क्या करे, जाना पड़ेगा, मेरी सैलरी कट हो जाएगी। एनीवे चाय पकौड़े का इमेजिनेशन करते हुए हम सीधे पहुँच जाते हैं ऑफिस। रेड वाला भी एक फूल खिल गया है एंड येलो वाले दो फूल खिले माशाल्लाह से। गुड मॉर्निंग, आज सैटरडे में थोड़ा सा लेट हुआ था एंड अभी मैंने कॉफी पी ली है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, आपको एक में करिश्मा दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में जो आप एलोवेरा देख रहे हैं, ये मैं तकरीबन 6 महीने से ठंडक से ऑफिस में लाया था, इसकी 2-3 पत्तियां मैंने अपने फेस पे यूज करी और ये मैंने किचन के नीचे रख दिया। और करिश्मा देखिए कि कोई भी पेड़ होगा वो सूख जाएगा, लेकिन देखिए अभी इसमें मैं धुल दिया, थोड़ा सा डस्ट लग गई थी। तो देखिए ये वैसे ही, और इसमें छोटी छोटी पत्तियां भी है। तो मतलब मेरे पास आपको बहुत सारे करिश्मे मिलेंगे, मुझे नहीं पता कि मेरे हाथों में जादू है या मेरे घर में जादू है, क्योंकि जो भी प्लांट में लाता हूँ ये बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे हाथ से लगाया हुआ प्लांट खराब होता है या वो सूखता है। तो ये देखो, बताओ 6 महीने से ये बिना जड़ के ऐसे पड़ा हुआ है और इसमें ना तो कोई जड़ है, ना किसी मिट्टी में ये रखा रहा है, ना मिट्टी में लगाए, उसके बावजूद भी देखो कितना एकदम हरा है। और ये देखो सबसे बड़ी बात, ये देखिए छोटी छोटी पत्तियाँ। तो आज इसका मैं निवारण कर रहा हूँ, आज इसको मैं अलग कर रहा हूँ, अपने फेस पे यूज करूँगा। तो 6-7 महीने से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है ना करिश्मे की बात। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा, ये मैंने लगाया था, फिर हमारे पड़ोस में रहती हैं नाम तपस्या, तो उसने देखा तो उसने भी ये लगा लिया। इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी आप जाएंगे ना, जहाँ भी ग्रीनरी करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो लोग भी आपसे प्रेरित होंगे। इसलिए अच्छे लोगों के बीच में रहिए और अच्छे अच्छे काम करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। कहीं भी आप रहिए, ज़रूरी नहीं कि किराए का घर है या आप रेंट में रहते हैं, उस घर को अपना बना के रहिए, तब आप बहुत खुश रहेंगे, आपके आस पड़ोस वाले भी बड़े खुश रहेंगे। तो देखो मैं तो कहीं भी रहता हूँ तो प्लांटेशन में ज़रूर करता हूँ। तो ये है, हमने इसकी पत्ती हटा दी है और इसको हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो ये वाला गमला है इसमें लगा के देखेंगे कि ये लगता है कि नहीं लगता है। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर से चाकू लगा के पहले इसकी मिट्टी को थोड़ा सा भुरभुरा करते हैं। हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, इसको हम थोड़ा भुरभुरा करेंगे ऐसे करके। मिट्टी जो है ना पूरी चौक हो गई थी, हालांकि इसमें मिट्टी अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर लग गया तो फिर इसको हम दोबारा से रीप्लांट करेंगे। और ये हमने इसको क्या किया ना, हमने इसको इतना कर दिया, ये बिस्मिल्लाह, इसको आज हम रखेंगे धूप में नहीं रखेंगे, थोड़ी छाई में, क्योंकि क्या मिलते हैं एक हफ्ते बाद, मतलब दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे एक हफ्ते बाद इसकी क्या कंडीशन है। और इसको हम अभी छाई में रख देंगे। अगर कुछ ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, अगर ज़्यादा पानी डालोगे ना तो ये अंदर से ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे, क्योंकि मिट्टी में थोड़ी सी नमी है और नमी आ जाए। चलिए निकलते हैं, आज संडे है लेकिन हम पूरा दिन घर पे रहे। एक तो मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गया फिर उठा और अभी जा रहे हैं हम शाहीन बाग, कमो आ रहा है हमारा। तो ये भाई सूज हमने नया रैक बना लिया, इसमें पहले कपड़े रखता था। कि टूर हम फिर कराएंगे, नए रूम बदला, हमारा रूम थोड़ा सा बदल गया है, टूर कराएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। यार यहाँ पर बहुत, देखो इसने पेल दिया सामने, बताओ ये उधर से बंदा आ रहा है और यहाँ से ले गया इसने पेल दिया सामने, बताओ। नहीं नहीं सही है, जगह नहीं है, तुम पेलते लिए जा रहे हो। सो यहाँ पर हुआ ये कि जगह थी नहीं, वो बाइक को जबरदस्ती अंदर आगे कर रहे थे और उनका पीछे का पूरा वो टूट गया, सब लोग हैप्पी हो गए।
अंदर जगह नहीं है, पैदल ही जा रहे हैं। सर इतने ट्रैफिक के बाद हम पहुंच गए शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ से हमको रिसीव करना है पूरी कमों को। सीढ़ी से नहीं, शिफ्ट से जा रहे हैं यार। कितने दिन बाद में मेट्रो स्टेशन में आया हूँ। आइए 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 जनाब, तुम भी ब्लॉग कर रहे हो क्या? साला कैमरा ही नहीं खुल रहा। ये इनका कैमरा नहीं खुल रहा है। मैं यार कब से वेट कर रहा हूं, मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैं एंड टाइम पे मैंने कहा पंजाब फोन करूँ, चलो। इतनी गर्म है और ये जो हमारे शाहीन बाग का ब्रिज है ये सबसे अच्छा है, और इतनी जबरदस्त हवा आ रही है कि क्या बताएं। तो अभी नाहिद भी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ 5 मिनट रुकेंगे, देन फिर जाएंगे आपका शाहीन बाग। और इतनी गर्मी में हम लोग का चाय पीने का नशा भी अजीब गरीब वाला है। मैं तो पीऊंगा, इनका मुझे पता नहीं कि ये लोग पियेंगे नहीं पियेंगे। भाभी है क्या? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं नहीं मानता। अच्छा, मुझे लगा हमसे इंस्पायर हो गए। इंस्पायर ही हुआ था। देखो हाँ पता है। तो आ गए हैं शाहीन बाग, मैं नाहिद एंड कमो, अभी हम चलेंगे अंदर। यार यहाँ जाम का बड़ा समस्या है। आ जाओ जाम के मजे चक जाओ। चाय तुमने पियो? चाय पानी ले। भाई भाई जल्दी खड़ी की, तो हमें टेक लगा दिया, फिर तस्वीर कर ली है। मैंने कहा जब भाई जाना आगे तो बता देना। अभी हम जा रहे हैं एसी की हवा खाने। सही है, और क्या भाई, एसी की हवा खाने जा रहे हैं। कपड़े हमको नहीं लेने हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बस हम जा रहे हैं देखने। 50% सेल पे बिल्कुल। लाइव नहीं। और यहाँ पर हम आ गए हम फ्री की एसी की हवा खाने। तो बस ऐसे ही एक्टिंग कर रहे ना है, देखो कितनी जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, कपड़े देखने की एंड कमो। और मैं भी बहुत थोड़ी थोड़ी एक्टिंग कर रहा था। ये आ गए हम फ्रेंडी मोमोज में। गरम बहुत है। हाँ यार है। और कमो दिल्ली मेट्रो में सावधानी बरतें, यही फील हो रहा है। बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका ऐसा नहीं है, मतलब संभाल के करो, संभाल के करो। बस में ज्यादा है उस पे। मतलब मैं दिल्ली में लोकल ट्रेवल की बात कर रहा हूँ। नहीं अगर मतलब हद होती है। मैं दिल्ली की डीटीएस बस की बात। तो ऐसा बोलो ना, तो पूरा सवाल ही नहीं कर रहे हो, आधा सवाल कर रहे हो। मैंने बस की बात करी ना, तो बस में तो ट्रैवल किया है मैंने। ये ब्लॉगर लोग ऐसे ही होते हैं, बात को घुमा देते हैं। ये जैसे कहते हैं कहीं टैलेंट घुमा देते हैं, टैलेंट नहीं होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? हैं भैया हमारा भी ले आओ यार। क्या आ गया हमारा क्रंची फ्राइड मोमोज माशाल्लाह से। इन लोगों ने अपनी अपनी फोटो खींच ले, हमको नहीं खींचने दे रहे हैं। चलो भाई कमो, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है ना। चलो चलो, अगर पेट निकला होगा किसी ब्लॉग में तो वो क्रॉप कर देना। ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा। अबे अपने ही पेट है, किसी गैर का थोड़ी है। अरे नहीं यार। यार 2 महीने जिम जा रहे हैं, साला कम ही नहीं हो रहा। मैं नहीं मानता। जिम जाने से पेट कम नहीं होता, जिम जाने से लोग मोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल भाई मुझे तो बदनाम ही कर दो, फिर मिलते हैं। तो भाई हमेशा की तरह यहाँ पे हमारी बन रही भिंडी, मतलब ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है और ये भिंडी बन रही है। तो प्याज इस बार हम थोड़ा सा कम फ्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ी सी जल गई थी। गरम इतना है और जब खाना बनाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है, और मुझे एग्जॉस्ट भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि फिर गैस जो है ना थोड़ा सा फ्लेम उसका हवा में उड़ने लगता है। तो एनीवेज, तो आज हम भिंडी बना रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये हमारा पूरा जो डेली 2-3 दिन 4 दिन का ब्लॉग चल रहा है, एंड तक देखना हमारी डेली लाइफ थोड़ी सी आजकल यूं चल रही है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा 70% हमारी जो प्याज है वो तल गई है। इसको अच्छे से पूरा चला देंगे, ताकि पूरा जो भिंडी में तेल है वो सारी भिंडी के पीसेस में लग जाए। और ये ये था हमारा 3-4 दिन का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज ऐसे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ बखैर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में जरूर याद रखिएगा।